नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी से TV20 न्यूज यह उम्मीद करता है कि रंगों का त्यौहार होली आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। अब एक नजर खबरों की तरफ। और आज महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचे हैं, जहां ठाकरे के साथ बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला चला है। ठाकरे के स्वागत में भारी भीड़ देखने को मिली है, तो उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विरोध करने वाले संत महंत और हिंदू सभा के पदाधिकारी नजरबंद दिखे। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश धर मिश्रा और महासभा के ही महंत परशुराम दास भी नजरबंद दिखे। तपस्वी छावनी के संत परमहंस को उनके आश्रम में नजरबंद किया गया है, तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को भी नजरबंद किया गया है। ये सभी उद्धव ठाकरे के दौरे का विरोध कर रहे थे और हिंदू महासभा ने काला झंडा दिखाने का ऐलान भी किया था। आने वाले थे हम सारे लोग, आज तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, फिर से आऊंगा और आते रहूंगा, आरती भी करूंगा। कल ही मुझे पता चला कि यहाँ जो ट्रस्ट जिस स्थापन हुआ है, निर्माण किया गया है, और ट्रस्ट का निर्माण होने के बाद बैंक अकाउंट कल ही खुल गया है अयोध्या में। जब भी मैं अयोध्या आता हूँ या राम मंदिर का विचार सोच मन में आती है, तो वो सारे दिन याद आते हैं जब मेरे पिताजी बाला साहब ने नेतृत्व किया था। और वो दिन भी याद है, सारे लोग मुझे मेरे साथ आज भी है, पूरे महाराष्ट्र से गांव-गांव से श्री राम लिखी हुई शिला सारे लोग लेके आते थे, उसका पूजन करने के बाद यहाँ वो सारी शिलाएं भेजी गई थी, शायद यहाँ पे होगी वो शिलाएं। तो जैसे वो एक शिला थी, एक 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 शिला बनकर लेकर वो मंदिर बनेगा। हमारे मराठी में एक कहावत है, फूल ना फुलाची पाखड़ी, तो वैसे मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार की ओर से नहीं, लेकिन हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूं। और मैं विनती करता हूं बड़े विनम्रता के साथ, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ट्रस्ट के जितने सारे महानुभव हैं, उनको विनती करता हूं कि ये हम राम भक्त इस मंदिर निर्माण के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं, उसका वो स्वीकार करें। और मैं मेरे महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, कल परसों ही कल ही मेरी बात हुई, उनको भी मैं विनती करता हूँ कि मंदिर तो जरूर बनेगा, हम सब मिलकर बनाएंगे, वो तो बात अलग है, राम भक्त मंदिर बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से काफ़ी सारे राम भक्त यहाँ जब भी आएंगे तो उनको रहने के लिए मैं योगी जी को एक विनती करता हूँ कि अगर वो यहाँ एक जगह हमें दे दे, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र भवन का भी निर्माण हम यहाँ करेंगे।